Friends, welcome you to the tutorial of graphics using C, C++. Graphics के second lecture में आपका स्वागत है। ये program हम code blocks के ऊपर बनाने वाले हैं और आज हम कुछ functions पढ़ेंगे जिनकी help से हम figure draw कर सकते हैं। जो screen पे लिखा हुआ है वो basic syntax है जो हम graphics के program में use करते हैं। अगर आपको इसमें कोई confusion है या आपको कोई doubt है तो आप पहले इससे पहले वाले lecture को देखिए जो फर्स्ट वीडियो है ऑफ दिस ट्यूटोरियल और फिर आगे प्रोसीड करना नेक्स्ट वीडियोस पे। अब हम जो सबसे पहला फंक्शन यूज़ करने वाले हैं वो रेक्टेंगल फंक्शन है। रेक्टेंगल फंक्शन के अंदर हमें फोर पैरामीटर्स पास करने होते हैं। वो पैरामीटर्स क्या हैं वो हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे। फ़िलहाल हम अभी फोर रैंडम वैल्यूज़ पास कर रहे हैं। इसको बिल्ड करते हैं, कोई एरर तो नहीं है, कोई एरर नहीं है। नाउ रन। सो अकॉर्डिंग टू द पास्ट पैरामीटर्स जो हमारी फिगर ऑब्टेन हुई है रेक्टेंगल की वो ये है। इसमें जो 20,50 है यानी कि x1, x2 वो रेक्टेंगल के लेफ्ट मोस्ट अपर मोस्ट पॉइंट को डिनोट करता है और जो x2, y2 है यानी कि 60,150 वो रेक्टेंगल के राइट मोस्ट लोअर पार्ट को डिनोट करता है। तो अगर आप इस रेक्टेंगल की लेंथ या ब्रेथ में चेंजेस लाना चाहते हैं तो आप x1, y1, x2, y2 में चेंजेस करके रेक्टेंगल के डाइमेंशंस को वेरी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक रेक्टेंगल फंक्शन का यूज़ करते हैं। उस रेक्टेंगल फंक्शन में हम x1 और x2 के बीच का डिफरेंस और y1 और y2 के बीच का डिफरेंस सेम रखते हैं। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे रेक्टेंगल की दोनों साइड सेम होगी और हमें एक स्क्वायर ऑब्टेन हो जाएगा। जैसे कि अगर हमने फर्स्ट पैरामीटर 50 पास किया है और सेकंड पैरामीटर 150 पास किया है तो क्योंकि अगर हमें x1 से इक्वल मार्जिन 50 पे रख लेते हैं अगर फॉर एग्ज़ाम्पल तो 50 + 50 = 100 पे रखेंगे x2 और y2 भी 150 + 50 = 200 पर रखेंगे। तो अभी हमारा सेकेंड रेक्टेंगल फंक्शन है, अब इसको बिल्ड एंड रन करके देखते हैं। दोनों रेक्टेंगल फंक्शन ऑब्टेन होने चाहिए स्क्रीन पे जो कि हुए हैं। सो एज यू कैन सी कि क्योंकि हमारी साइड्स जो x2 - x1 है और y2 - y1 है वो सेम है इसलिए हमारी लेंथ और ब्रेथ दोनों डायमेंशन सेम है और हमें एक स्क्वायर ऑब्टेन हुआ है। सो इसी तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टेंट पास करके रेक्टेंगल की डायमेंशंस को वेरी कर सकते हैं। अब जो हम सेकंड फंक्शन पढ़ने वाले हैं वो है सर्कल फंक्शन। सर्कल फंक्शन के अंदर हमें तीन पैरामीटर्स पास करने होते हैं। फर्स्ट इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल, सेकेंड इज द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल एंड थर्ड इज द रेडियस ऑफ सर्कल। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे सर्कल का सेंटर 100,150 हो स्क्रीन पे और उसकी रेडियस 25 हो तो मैं ये पैरामीटर्स पास करूँगी। अभी रेक्टेंगल फंक्शन को कमेंट कर देते हैं क्योंकि हमें सिर्फ सर्कल पे फोकस करना है। बिल्ड एंड रन। सो एज यू कैन सी हमें एक सर्कल ऑब्टेन हुआ है सर्कल फंक्शन की हेल्प से। और ये जो 100 है ये और 150 ये सर्कल के सेंटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। 100 जो है वो लेफ्ट मोस्ट पार्ट से डिस्टेंस है एक्स एक्सिस में सेंटर का और 150 जो है वो अपर मोस्ट पार्ट से डिस्टेंस है सर्कल के सेंटर का अलोंग वाई एक्सिस और इस सर्कल की रेडियस 25 है जो कि हमने खुद से डिसाइड की है। अगर आप चाहो तो सर्कल की रेडियस को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, उसके सेंटर को शिफ्ट कर सकते हो। आप चाहें तो एक और सर्कल फंक्शन देख के हम ट्राई कर सकते हैं। हमने इसमें 200,300 सेंटर डाल दिया और रेडियस हमने डाली है 30। इसको रन करके देखते हैं तो हमें दो सर्कल ऑब्टेन होने चाहिए क्योंकि हमने दो सर्कल फंक्शन यूज़ किए हैं। सो एज यू कैन सी हमें दो सर्कल फंक्शन की हेल्प से दो सर्कल ऑब्टेन हुए हैं जिनकी डायमेंशंस डिफरेंट हैं क्योंकि फर्स्ट का रेडियस 25 है और सेकंड का 30 है।
अब अगर हम रेक्टेंगल फंक्शन को भी अनकमेंट कर देते हैं तो हमें एक कोई रैंडमली फिगर मिलेगी जो कि मतलब कोई कंफर्म नहीं है, बस हमने क्योंकि फोर फंक्शन यूज़ किए तो हमें फोर फिगर्स मिलनी श्योर हैं जिनकी हेल्प से हम कोई भी डायग्राम बना सकते हैं। अभी ये कोई मतलब बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, कुछ आप ड्रॉ नहीं किया है, अगर हम चाहें तो कोई ह्यूमन फिगर भी ड्रॉ कर सकते हैं एज़ पर आर प्रोजेक्ट। सो आई होप कि आपको ये फंक्शन समझ में आया होगा। इस अगर आपको कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो प्लीज़ नीचे कमेंट में कमेंट कीजिए। आई वुड लाइक टू रीड देम एंड वुड ट्राई टू सॉल्व देम टू माई बेस्ट। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स भी ग्राफिक्स के प्रोग्राम बना सकें, अपने प्रोजेक्ट्स डेवलप कर सकें, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप फ्यूचर में आने वाली वीडियोस को भी देख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।